Hello everyone, my name is Manisha and welcome back to Physics Phantom. आज मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड उसका फोर्थ पार्ट करवाने वाली हूँ। इससे पहले के पार्ट्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की जो वीडियो है ये इजी भी है प्लस इम्पॉर्टेंट भी है। इजी इसलिए क्योंकि ये जो टॉपिक मैं आज करवाने वाली हूँ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ये आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब से साइंस ली है, ली क्या मतलब, जब से साइंस आपने पढ़नी स्टार्ट करी होगी 9th, 10th, 8th भी इवन, तो उस टाइम से ही आप ये वर्ड्स तो देखते ही आ रहे होंगे, इंसुलेटर, कंडक्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये कुछ उसी से ऊपर बेस्ड है। लेकिन जो अभी तक हम इसमें पढ़ते हैं वो बहुत इजी सा पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है नहीं हो सकती, इस टाइप के कंसेप्ट पढ़ते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है इसमें जो हम इसका डिफरेंस पढ़ने वाले हैं वो इसके बेसिस पे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिस पे, ठीक है। सो आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको कंडक्टर्स और इंसुलेटर में डिफरेंस करवाऊंगी इलेक्ट्रिक चार्जेस के बेसिस पे। ये जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है ना चार्जेस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो ये फर्स्ट चैप्टर है, और या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स के लिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चार्जेस की प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसके जो सिंबल है किस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, किस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या चीज होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए, जिसके लिए आप सिंपली क्या करिए, इस वीडियो, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वो देखने के बाद आपको इस टाइप के जो छोटे छोटे डाउट्स हैं ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो वर्ड है चार्जेस, इसको अपने दिमाग में ऐसे फिट कर लीजिए जैसे चॉकलेट की आप चाहें तो भी नहीं भूल सकते, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। सो लेट्स स्टार्ट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स में फर्स्ट जो पॉइंट है, एज आई टोल्ड यू कि मैं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिस पे डिफरेंस बताऊंगी, तो फर्स्ट जो कंडक्टर का जो डिफरेंस है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजिली, ठीक है। जो कंडक्टर्स हैं उनमें इलेक्ट्रिक चार्ज वो इजिली फ्लो कर सकता है, कैन फ्लो इजिली। वहीं इंसुलेटर्स में कांट फ्लो इजिली। अब इसमें ध्यान से देखिए, मैंने यहां पे लिखा है कांट फ्लो इजिली, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लो ही नहीं करेगा, फ्लो कर सकता है, बट जितना इजिली कंडक्टर्स में कर जाता है इतना इजिली नहीं करेगा, ठीक है। इसमें मैंने आपको ये पहले समझा चुकी हूँ कि किस तरीके के जो मेथड्स होते हैं, जैसे चार्जिंग मेथड्स हैं हमारे पास, टचिंग है, रबिंग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, इन मेथड्स के थ्रू इसमें चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, किस तरीके से हम एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, तो वो वीडियो देखने के बाद आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। सेकेंड पॉइंट जो डिफरेंस है इनके बीच का कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में, कंडक्टर का जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि कंडक्टर्स क्यों होते हैं, इनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन्हें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड जो पॉइंट है इंसुलेटर्स में वो ये आता है कि जो इंसुलेटर्स हैं इनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में वो टाइटली बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। ये आपका सेकेंड पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट कंडक्टर्स में क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें इंसुलेटर्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, इसमें जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं टू द न्यूक्लियस से, ठीक है। अब नेक्स्ट है कंडक्टर्स और इंसुलेटर का एग्जाम्पल। कंडक्टर का एग्जाम्पल हमारे पास है मेटल, ह्यूमन और एनिमल बॉडीज, उसके अलावा एसिड्स, ठीक है। इसमें कंडक्टर्स में एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं मेटल्स, ह्यूमन बॉडीज, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज, ठीक है, और एसिड। अब जो नेक्स्ट है इसमें एग्जाम्पल में, इंसुलेटर के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं वो डायमंड, ग्लास, प्लास्टिक, ठीक है, यहाँ पे आप इसमें ये सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। अब जो इसमें कंडक्टर्स और इंसुलेटर में ये क्या है, बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, कि ये चीजें होती हैं, इसमें मैंने 2 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा इसमें अगर एक
आपसे मेजर डिफरेंस माना जाए कि क्या चीज है जो कंडक्टर और इंसुलेटर को सेपरेट करता है या दोनों में डिसिमिलैरिटीज बताते हैं, ठीक है। तो वो ये चीज है, चार्जेस के बेसिस पे आप इसको डिफाइन करेंगे। तो जब कभी भी आप किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज को ट्रांसफर करते हैं तो उस टाइम पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है ओवर द एंटायर सर्फेस, ठीक है। जैसे ये चार्ज है, इसमें अभी मैंने जो प्रीवियस वीडियो दी है उसमें चार्जिंग मेथड में आपको बताया है किस तरीके से एक जो चार्ज है अनचार्ज बॉडी किस तरीके से चार्ज होती है और चार्ज किस तरीके से पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो कंडक्टर्स होते हैं इसमें जो चार्ज है, जब कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज किसी बॉडी में पास करवाया जाता है तो उस टाइम पे वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। वहीं इंसुलेटर्स में ऐसा नहीं होता, उसमें वो सेम प्लेस पे रहते हैं। ये मेजर डिफरेंस था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके अलावा मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब आपके पास में एक एग्जांपल बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये गिव रीजन में भी आ सकता है और एग्जांपल भी आप इसको समझ सकते हैं। अ मेटल रॉड इज हेल्ड इन हैंड, ठीक है। एक मेटल रॉड है, उसको अगर आपने हाथ में लिया और उसके बाद में आप उसको किससे रब कर रहे हैं, इसमें जो रबिंग हो रही है, ये जो वर्ड्स हैं इसको माफ कर लीजिए, रब किससे कर रहे हैं, वूल से, ठीक है। तो उसमें कोई भी चार्ज डेवलप नहीं हो रहा, सबसे पहली चीज। तो अभी तक मैंने जो आपको चार्जिंग मेथड्स बताए उसमें कभी भी ह्यूमन बॉडी का कोई यूज नहीं किया, क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अभी तक जो मैंने आपको चार्जिंग मेथड्स बताए जिसमें था रबिंग, ठीक है, और टचिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, टचिंग एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तो इन तीनों मेथड्स में जब भी मैंने आपको चार्जिंग का समझाया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में, तो इसमें हमने क्या लिया था हर बार कि दो बॉडीज लिए, एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी, इस टाइप से, मतलब कि एक मेटालिक स्फीयर और एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे पुट करके। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ह्यूमन बॉडी की बात करी हुई है। तो इसका जो रीजन है वो ये आता है कि ह्यूमन बॉडी है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी वजह से कोई भी जो चार्ज मेटल के ऊपर या मेटल रॉड पे जो भी चार्ज डेवलप होगा वो डायरेक्टली अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा थ्रू द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इसको इलेक्ट्रिफाई करना है या चार्ज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो रॉड है ये या तो प्लास्टिक रॉड हो सकती है, मतलब जो हैंडल है वो प्लास्टिक का या फिर वूल का हो सकता है, ठीक है। खैर वूल का कैसे होगा, प्लास्टिक का हैंडल हो सकता है, ठीक है, प्लास्टिक हैंडल आप ले सकते हैं, और या फिर आप रबिंग या टचिंग मेथड के थ्रू इसको कर सकते हैं। सो ये डिफरेंस है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स का ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और कमेंट करिए आपको वीडियो कैसी लगती है। आपको जो भी चीज़ ऐसा टॉपिक लगता है फिजिक्स में कि आपको उसमें वो आपकी वीकनेस है और आप उसको समझना चाहते हैं तो आई विल ट्राई कि मैं उसको ईजी से ईजी वे में समझाऊँ। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।